दिनेश जी, आप बीजेपी के सदस्य हैं, जो हाल चल रहा है देश का हालिया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी का सदस्य होने के नाते जो सीए के ऊपर आप अपना पक्ष क्या रखेंगे? देखिए, बीजेपी का सदस्य होने के नाते क्या कहूँगा, उससे भी ज़्यादा एक हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते कहूँगा कि हर व्यक्ति को समर्थन करने का जितना हक है, उतना ही उसको अधिकार विरोध करने का भी है। पर किसी भी चीज़ का समर्थन और विरोध आप उसके बारे में जान के करें कि जो कानून आया है वो कानून क्या किसी का अधिकार छीनने के लिए आया है या किसी को अधिकार देने के लिए आया है। तो मुझे लगता है कि ये जो कानून आया है वो जो लोग ऐसे हैं जो प्रताड़ित हुए और इस देश की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो उन्हें ये नागरिकता देने के लिए कानून बना है, ना कि इस देश के किसी भी धर्म, किसी भी जाति या किसी भी व्यक्ति की नागरिकता छीनने के लिए नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि विरोध करिए, समर्थन करिए, पर उसके बारे में जान लीजिए, अफवाहों से दूर रहिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा। दिनेश जी को हम फिर देख सकते हैं इलेक्शन में? वो तो समय तय करेगा, क्योंकि देखिए समय ही है। मुझे कभी नहीं पता था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, क्योंकि सच पूछिए तो मैं राजनीति के लिए बना भी नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ फिल्मों के लिए बना हूं जो मैं करता हूं। समय ऐसा आया कि मुझे उतार दिया गया, और मैं कहीं ना कहीं उस समय चाहता भी था कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तो मैं उतर गया। आगे समय क्या होगा अब उसके बारे में अभी से मैं नहीं कह सकता। सर, एक सवाल और अल्लाह के साथ था। जी, निर्भया कांड पे 22 तारीख को फांसी होने वाली है, उस पे आप क्या कहते हैं? होने वाली है कि जिस तरह के जघन्य अपराध के लिए किसी भी दोषी को सजा दी जाती है, वो निश्चित रूप से होना ही चाहिए और देर भी नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जब भी कोई अपराध होता है तो अपराधी को जितनी जल्दी सजा मिले उतना ही समाज के लिए अच्छा है, ताकि बाकी लोग जो है कभी भी कुछ गलत करने से पहले 100 बार सोचें। अभी दिल्ली में चुनाव है जी, क्या मनोज जी केजरीवाल को हरा पाएंगे या नेक्स्ट सीएम मनोज जी होंगे? मुझे लगता है ये जनता बताएगी, ये जनता के हाथ में है। मैं ऐसा मानता हूं और मैं ये हमेशा कहता हूं कि मैं क्या चाहता हूं, मनोज तिवारी जी क्या चाहते हैं, मोदी जी क्या चाहते हैं, अखिलेश जी क्या चाहते हैं, आप उस पर बिल्कुल मत जाइए। आप क्या चाहते हैं, क्या चाहती है, वो होना चाहिए। तो दिल्ली की जनता जो चाहेगी वही हो। थैंक यू। चले चले, ट्रेलर देखते थे जी। मेरा मेरा एक ही रिएक्शन है कि मुझे मेरा मानना ऐसा है कि रेप इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइम्स इन आवर कंट्री। उससे बड़ा कोई क्राइम नहीं है, उससे बड़ा कोई गुनाह नहीं कर सकता। तो ऐसे गुनाहगारों को तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में सबसे पहले, सबसे जल्दी सज़ा होनी चाहिए, और इनफैक्ट जब उनको फांसी लग रही हो ना तो उसका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए, ताकि ऐसी दरिंदगी वाला काम करने से पहले हर किसी की रूह कांपे, क्योंकि वो देखे हों कि इसका नतीजा क्या होगा। तो मेरा मानना यह है कि ऐसे लोग को सरेआम फांसी होनी चाहिए, चौराहे पर फांसी होनी चाहिए, और वो सबको देखना चाहिए। थैंक यू। अरे क्या बात।